नमस्कार, मैं हूं मन मोहित और आप देख रहे हैं प्रेस वार्ता एक नजर की खास। 17 जनवरी को सिरसा में सामूहिक कन्या विवाह होगा और ये सिरसा का सबसे बड़ा सामूहिक कन्या विवाह होगा, उसको लेकर तमाम चर्चा करेंगे। इस वक्त मैं रॉयल हवेली में हूं, मेरे साथ उड़ीसा के पूर्व राज्यपाल प्रोफेसर गणेशी लाल के पुत्र मनीष सिंह, उनसे खास चर्चा करेंगे। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे, किस तरह की तैयारियाँ हैं? सबसे पहले तो मन मोहित जी, मैं आपका रॉयल हवेली में पधारने पर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, हार्दिक स्वागत करता हूँ। आने वाली 17 जनवरी को श्री अग्रवाल पार्क ट्रस्ट और में 11 कन्याओं का सामूहिक विवाह और 50 महिलाएं जो समाज की गरीब विधवा महिलाएं, उनको सिलाई मशीन जिससे वो अपना रोजगार कर सके सिलाई कर 125 बच्चों को स्कूल यूनिफॉर्म, जिन बच्चों के पास स्कूल यूनिफॉर्म नहीं थी ऐसे 125 बच्चों को स्कूल यूनिफॉर्म जिसमें पैंट शर्ट जराब जूते और जर्सी दी जाएगी, और 12 दिव्यांग जन को जिनके हाथ पैर नहीं है ऐसे लोगों को 12 ट्राईसाइकिल दी जाएगी। ये सारा कार्यक्रम श्री अग्रवाल पार्क ट्रस्ट में किया जाएगा और हारे का सारा चैरिटेबल ट्रस्ट जो माता श्री स्वर्गीय श्रीमती सुशीला देवी जी की प्रेरणा से बना, समाज का कोई भी पीड़ित वंचित बेसहारा अंतिम छोर पे भी कोई व्यक्ति बैठा हो उस तक भी हमारी टीम पहुंच सके, ऐसा ये हारे का सारा चैरिटेबल ट्रस्ट हमारे इष्टदेव बाबा श्याम के नाम से बना हुआ है। तो ये बड़ा भव्य कार्यक्रम होगा आगामी 17 जनवरी को। तो सर, कितनी की तैयारी हो चुकी है, किस किस तरह के पूरे कार्यक्रम रहेंगे सामूहिक कन्या विवाह में? सारी तैयारी इसकी बड़ी भव्यता से हो रही है। श्री अग्रवाल पार्क ट्रस्ट के माननीय सदस्य श्री पुरुषोत्तम जी, कीर्ति जी और उनकी सारी टीम को मैं विशेषकर बधाई देता हूँ। जैसे ही उन्होंने मुझसे इसका संपर्क किया कि आने वाली 17 जनवरी को मेरी वैवाहिक वर्षगांठ पर कि हम ऐसा एक कार्यक्रम करना चाहते हैं जिसमें सामूहिक विवाह और ऐसा सिलाई मशीन और सब देने का, तो मैंने उनको तुरंत हारे का सारा चैरिटेबल ट्रस्ट इस सारा कार्यक्रम को करेगा ऐसे उनको इसकी अनुमति दी। और बड़ा ये एक अनूठा कार्यक्रम होगा और जितना भी ये सारा कार्यक्रम है ये उड़ीसा के पूर्व राज्यपाल, हरियाणा सरकार में पूर्व कैबिनेट मंत्री और हरियाणा भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे प्रोफेसर गणेशी लाल जी के सानिध्य में होगा और उन्हीं के हाथों से उन्हीं के करकमलों से ये सारा सामान वितरित होगा। ये बड़ा एक देखने में एक बड़ा भव्य कार्यक्रम होगा और समाज से इसको प्रेरणा मिलेगी कि जो भी समाज में वंचित बेसहारा पीड़ित है उसकी हर संभव मदद की जा सके, इसी का ऐसा कार्यक्रम करने का यही एक उद्देश्य है। तो मान के चले कि ये पहल उन लोगों पे चोट करेगी जो बेटी को बोझ समझते हैं? हाँ बिल्कुल, बेटी को बोझ अब समझने की जरूरत नहीं है क्योंकि हारे का सारा चैरिटेबल ट्रस्ट जब तक है, तो ऐसा कोई भी व्यक्ति हो जिसने अपनी बेटी की शादी करनी हो इस कार्यक्रम के बाद भी अगर कोई ऐसा हो तो उसकी हम शादी करवाने का प्रयास करेंगे हारे का सारा चैरिटेबल ट्रस्ट के सौजन्य से। तो बिल्कुल, 17 जनवरी को सिरसा में बड़े स्तर पर सामूहिक कन्या विवाह होगा और सबसे बड़ी बात, ये कार्यक्रम उन लोगों पे चोट करेगा जो बेटी को बोझ समझते हैं और बड़े ही भव्य तरीके से इसका आयोजन होगा। तो वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए ताकि अधिक से अधिक लोगों तक तमाम जानकारी पहुंच जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।